ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान. हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जो कि आपके सवालों का जवाब लगातार दे रहे हैं. मनीष पालीवाल जी मौजूद हैं, साथ ही डॉक्टर वाई आर मीणा जी भी मौजूद हैं. आप हमें कॉल कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं. तो आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर मीणा कि लगातार जिस तरह से लोग सवाल कर रहे हैं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपने बताया क्या वजहें हो सकती हैं कि लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह से सुनने में आ रहा है कुछ कमेटियां बनाई गई हैं शिकायतों को दर्ज करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल. केंद्र के स्तर पर और राज्यों में भी नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की गई है, कमेटियाँ भी हैं और जो हेल्पलाइन खोली गई है. इसके अलावा पीएम डॉक्टर मीणा, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी. एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पन्ना लाल जी. इनको पहले ले लेते हैं, यूपी से इन्होंने हमें कॉल किया है. पन्ना लाल जी पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? पन्ना लाल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर से बोलिए आपका क्या प्रश्न है. टीवी का वॉल्यूम कुछ नहीं, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है. अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर कीजिए सवाल. जी जी, तो इनका भी वही सवाल है डॉक्टर. पैसा मिला नहीं? हाँ जी बिल्कुल, कि पैसा नहीं मिल पा रहा है और आप बता रहे हैं कि क्या कर सकते हैं ऐसे में. हमने काफी चर्चा इसी मुद्दे पर की है प्रोग्राम में. जो पैसा रजिस्ट्रेशन कराया नहीं मिल रहा, तो उसके कई कारण मैंने गिनाए. एक तो आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उनमें निश्चित तौर पर कुछ डिफरेंस होगा. जैसे आपका बैंक का अकाउंट है उसके नाम में, आपका आधार कार्ड है उसके नाम में, और खसरा खतौनी जो यानी जमीन के पेपर हैं, कागजात हैं जी, उनके नामों में कुछ फर्क होगा जी, उसकी वजह से दिक्कत होती है. तो निश्चित तौर पर आप यही ध्यान रखें कि जब भी रजिस्ट्रेशन कराएं आप, क्योंकि आप तो करा चुके हैं, तो आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर में जाके उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं. हेल्पलाइन से भी मदद ले सकते हैं, जो मैंने नंबर 2-3 बार नोट आपको कराए. इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल भी है, तो बहुत से माध्यम हैं, और कृषि अधिकारियों से भी आप मिल सकते हैं. कृषि अधिकारी भी बराबर किसानों की मदद कर रहे हैं, पटवारी हैं वो भी मदद कर रहे हैं. तो बहुत सी मशीनरी राज्य सरकारों की भी इस काम में लगी हुई है जी. और उन्हीं की जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की कि वो चयनित किसानों को, जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जो पात्र किसान हैं, उनकी सूची बराबर दुरुस्त करके और केंद्र को भेजें, जिससे उनको पैसा समय से मिल जाए. मुझे पता है क्योंकि 8 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों को अभी तक पैसा गया है, जबकि करीब करीब 14.5 करोड़ के आसपास किसान हैं हमारे जिनको ये लाभ मिलना चाहिए. अब उसमें से जो क्राइटेरिया हमने बताया, हो सकता है कुछ किसान उसमें से कट जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में अभी किसान बचे हुए हैं. तो कुछ तो सूची समय से नहीं मिल पा रही है, कुछ सूचियों में त्रुटियां हैं, कुछ कागजात में कमी है, उसकी वजह से ये पोर्टल और ये सारी सुविधा की गई है. किसान घर बैठे भी या अपने बच्चों की मदद से उसको देख सकें. पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर है, उसमें जाके सुधार भी कर सकते हैं जी. आधार की डिटेल्स में अगर कोई कमी है उसमें भी सुधार किया जा सकता है, और अपने भुगतान क्यों नहीं हो रहा उसकी स्थिति वो भी जांच सकते हैं, और कितने बेनिफिशियरी किसान हैं उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं. तो ये तो बहुत अच्छी सुविधा है कि घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कि क्या वजह है, क्यों आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और क्या वजह है कि आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है. डॉक्टर मीणा, आप बता रहे थे कमेटियों का गठन किया गया है, जिनका क्या काम है? कमेटियों में भी कोई ऐसा पेचीदा मामला हो, कोई शिकायत हो, तो शिकायत कर सकते हैं. वो जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं वो उसका निदान करते हैं, और कोई वैसी समस्या है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई गैप है, तो किसान को सुझाते हैं भाई उनको करना क्या है जी. तो ये सारा कुछ व्यवस्था की हुई है, और जैसे जैसे फीडबैक मिल रहा है, पता लगता है जब कोई चीज़ चालू होती है, तो उसी हिसाब से समय समय पर इसमें सुधार और इम्प्रूवमेंट और कैसे फैसिलिटेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है केंद्र के स्तर पर भी, और राज्य सरकारें भी पूरा इस पर ध्यान दे रही हैं जी. लेकिन बहुत सारे कृषक जो अपने आप ये नहीं कर सकते, जिस तरह से आपने कहा ऑनलाइन जाकर चेंजेस कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ऐसे में इनको ये किसके पास जा सकते हैं और अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं? ऐसे में सबसे बेहतर है कि ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है या जन सूचना केंद्र, आजकल गांव-गांव में भी खुल गए, ई मित्र भी हैं, जैसे
वहाँ पर जा करके उनका 5-10 रुपए वो फीस लेते हैं, आपका पूरा चेक करके वो सारा बता देंगे कहाँ कमी है और क्या करना चाहिए। तो ये सब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर पर जा करके और अपना जो विवरण है, जो ब्यौरा दिया गया है, उसमें अगर कोई कमी है तो सुधार कर सकते हैं। तो कई सारे किसान भाइयों ने जानने की कोशिश की कि पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। बहुत आसान तरीका बताया है डॉक्टर मीना ने, आप जाइए कॉमन सर्विस सेंटर पर और वहां पर जाकर आपको जो फीस देनी है मामूली सी 5-10 रुपए उसको दीजिए और जानिए कि आखिर क्या वजह है, कहीं दस्तावेजों में कमी रह गई है, आपका रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है, क्यों आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। और मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि बीमित होती हैं, जिससे कि बीमा योजना में फायदा मिल सकता है। किसान भाइयों, जो भी फसलें हैं राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जाती है पहली बात तो, लेकिन मुख्य रूप से जो अनाज की फसलें आज हम देखेंगे, तिलहनी फसलें देखेंगे, ये मुख्य रूप से जो है वो दालें देखेंगे। अगर हम अभी रबी फसलों की बात करेंगे तो गेहूं है आपका, वो अधिकतर सरकारें अधिसूचित कर रही हैं, चना आपका अधिसूचित किया जा रहा है, राई सरसों है, ऐसे ही कुछ वाणिज्यिक फसलें भी होती हैं जैसे कि आलू, आपकी कई सरकारें जो है आलू फसल को भी अधिसूचित कर रही है, बागवानी फसलें भी होती हैं जो अधिसूचित की जाती है सीजन के हिसाब से। आप खरीफ सीजन की बात करेंगे तो खरीफ सीजन में भी कई सारी फसलें जो है अनाज की है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, आपका कपास है, सोयाबीन है, तिलहनी फसलें, फिर आप जो है तिल है, इस तरीके से कई सारी फसलों को अधिसूचित अलग अलग सरकारें अलग अलग जगह के हिसाब से जहां जिस तरह का ज़्यादा फसलें हो रही हैं। मुख्य रूप से अधिकतर फसलें जो है राज्य शासन ने अधिसूचित करने की कोशिश की है जी, और इनका बीमा इकाई अलग अलग होता है, कुछ का बीमा इकाई ग्राम पंचायत होता है, कुछ फसलों का रकबा यदि कम होता है तो वो तहसील लेवल तक बीमा जो अधिसूचित कर देते हैं उनका। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहित ने कॉल किया है यूपी से। मोहित पूछिए आपका क्या सवाल है। जी पूछिए। जी मोहित फिर से कीजिए अपना सवाल। जी फिर से ये सवाल आप ही के लिए है डॉक्टर मीना, ये जानना चाहते हैं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि किन किन कृषकों को इसका लाभ मिल सकता है और कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं। कोई भी किसान उसमें किसी फसल विशेष के लिए नहीं है, आप रबी, खरीफ या जायद, ये तीन जो प्रमुख सीजन है फसलों के, उनमें आप जो भी खेती करते हैं जो आपके क्षेत्र में होती है, जैसे खरीफ में ज्वार, मूंग, मोठ, बाजरा कुछ भी कर सकते हैं, रबी में गेहूं, जौ, चना कुछ भी करें आप, ऐसे ही गर्मी में जो आप अगर खेती करते हैं तो कद्दू वर्गीय कुछ सब्जियों की खेती होती है, समर मूंग भी करते हैं, तो खेती की विशेष फसल का कोई महत्व नहीं है इसमें। कोई भी खेती जो भी आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं या आपके इलाके में जो भी खेती होती है वो सभी इसमें कवर होती है। फसल बीमा में है ये सब कि राज्य सरकारें उसको नोटिफाई करती हैं किन किन फसलों में बीमा दे रही हैं वो, बाकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सीजन के हिसाब से साल में 3 बार मतलब 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो दी जाती है वो खेती, कोई भी खेती करें उन सभी किसानों को है, फसल विशेष की कोई इसमें वो नहीं है कंडीशन, तो आप सभी को इसका लाभ मिल सकता है। जी तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात हो रही है, ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है, कई बार ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों को बहुत नुकसान होता है, तो उसके लिए किस तरह का प्रावधान है। बिल्कुल, ओलावृष्टि एक बहुत ही जो है अचानक आने वाली आपदा होती है और किसान के पास समय भी नहीं होता है कि उससे अपनी फसल को बचाव कर सके, किंतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के माध्यम से वो जो है इस नुकसान का, ओलावृष्टि से जो उपज में हानि हो रही है उसका लाभ ले सकता है, किंतु उसके लिए कृषक को एक छोटा सा जो है अपना प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसमें जिस फसल के लिए वो ओलावृष्टि से नुकसान हो गया है उस फसल का, उस जमीन के लिए वो उस बीमा कंपनी, जिस बीमा कंपनी से प्रीमियम जो है उसने जमा किया है, वो बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पे अपना जो है सूचना देनी होगी, जिसे बोलते हैं इंटीमेशन, और 72 घंटे के जो है के अंदर उसे ये इंटीमेशन अपने टोल फ्री नंबर पे
दे सकते हैं। सारी बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर www.pmabby.gov.in पर उपलब्ध भी है, और उस टोल फ्री नंबर के बाद में बीमा कंपनी का कार्य शुरू हो जाता है। बीमा कंपनी जो है उस कृषक के पास अपना लॉस असेसर जो है वो सरकार के अधिकारियों के साथ भेजती है, और उस स्थान का जिस स्थान पे उसका नुकसान हुआ है उसका आकलन करती है कि किस तरह का नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, क्या वाकई में फसल कितनी क्षतिग्रस्त हुई है, ये सारी आकलन और उनका मोबाइल ऐप के माध्यम से चेक करके उनका आकलन का प्रतिशत निकाल के उनकी जो है रिपोर्ट जो है बीमा कंपनी बनाती है, और उस आधार पे जो भी आकलन होता है वो उसके दावा के रूप में बीमा कंपनी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, राज्यांश और केंद्रांश का जो प्रीमियम अनुदान है वो प्राप्त होने के बाद में उसके खाते में सीधे पहुंचाने की व्यवस्था दावे के रूप में की जाती है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के बहुत सी समस्याओं का समाधान आज हुआ होगा, उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारे दो मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, मनीष जी और डॉक्टर मीना, आप दोनों ने समय निकाला स्टूडियो में आने के लिए, आपका शुक्रिया। नमस्कार। और अब समय हो गया ये बताने का कि कल कौन से विषयों पर हम करेंगे चर्चा। तो कल के जो विषय हैं वो आपको बता दें, बांस की नर्सरी की तैयारी और रख रखाव पर कल हम करेंगे चर्चा, और दूसरा विषय है, तो पहला विषय है बांस की नर्सरी की तैयारी और रख रखाव पर हम चर्चा करेंगे, कल का विषय है, और दूसरा है बीजीय मसालों की देखभाल कैसे की जाए, इस पर भी कल हम चर्चा करेंगे। तो कल के ये दोनों विषय थे जिस पर कि हम कल चर्चा करेंगे। और आइए अब आपको बता दें, हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, और आइए अब आपको बताते हैं हमारा फेसबुक पेज, इस पर आप हिंदी में हेलो किसान टाइप करने पर हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। आप हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। और साथ ही में अब आपको बता दें कि आपको कॉल सेंटर का नंबर क्या है, डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे कुछ और विषयों के साथ, दीजिए इजाजत।